गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरी आवाज़ जा रही है आप सबको? गुड मॉर्निंग अदिति, अपने फ्रेंड्स को बोलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, फिर हम आगे की लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए 2 मिनट का समय लेते हैं, कुछ लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक वो ज्वाइन हो जाएंगे फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बायोलॉजी का सेट प्रैक्टिस किन किन लोगों ने सॉल्व किया था? उसमें 10 क्वेश्चन से पहले किन किन लोगों को मिला था वो ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के कंफर्म कीजिएगा। लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस रिवाइज हमने किया था, उसमें से 10 क्वेश्चंस थे। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपका फॉरवर्ड भी करवाया हुआ था, किन किन लोगों को मिल गया था वो प्रैक्टिस सेट। क्या हुआ, किसी को नहीं मिला था? किसी का जवाब नहीं आ रहा। बायोलॉजी का सेट प्रैक्टिस किन किन लोगों को मिल गया था? गुड मॉर्निंग रूपक। चलिए, तो इसका मतलब बायोलॉजी का सेट प्रैक्टिस मिला भी होगा तो आपने सॉल्व नहीं किया, आपकी मौन यही बता रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा काम था सर प्रैक्टिस सेट देना, आपका काम था उसको सॉल्व करना। वैसे बच्चे भी जब प्रैक्टिस सेट का रिवीजन हो रहा था, क्विज हो रहा था, तो बच्चे कम ही ज्वाइन किए हुए थे, पता नहीं क्यों, लेक्चर में तो अच्छा खासा बच्चे होते हैं। और जब क्विज की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं सब। अमर गुड मॉर्निंग। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किन किन लोगों को बायोलॉजी का क्वेश्चन सेट मिला हुआ था या जिन्होंने सॉल्व कर लिया, मिल गया सॉल्व कर लिया। चलिए, उसमें गलत हुआ था, यानी कि 10 क्वेश्चन में 9 आपके सही थे, वेरी गुड। परफॉर्मेंस ऐसे ही बनाए रखना है, फिर मैं दूसरा सेट लेकर आऊँगा, उसमें से भी 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और केमिस्ट्री का जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर केमिस्ट्री का भी सेट प्रैक्टिस होगा अपना। तो कोशिश कीजिए, जब क्विज होता है या सेट प्रैक्टिस डिस्कशन होता है, वो उस लेक्चर को आप अटेंड करिए, है ना? उसमें पीछे का भी रिवाइज कराते हैं टॉपिक, और कोई बात नहीं, गलत होगा तो फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, और सही होगा तो अच्छी बात है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन क्लासेस बंक मत कीजिए, आप लोग ज्वाइन कीजिए, अभी भी कम लोग ही ज्वाइन किए हैं। आप शेयर कर दीजिए लिंक अपने फ्रेंड्स में और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पर। अमर का 9 सही था, 1 गलत हुआ, बाकी लोग अदिति, स्वीटी, सनी, ये लोग कहाँ हैं आज?
चलिए, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है न्यू सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, और आज के न्यू सब्जेक्ट का पहला लेक्चर है वो केमिस्ट्री, लूसेंट बेस्ड केमिस्ट्री होगा। जैसे हमने लूसेंट बेस्ड बायोलॉजी स्टार्ट किया था, वैसे लूसेंट बेस्ड केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, और दोनों को पैरेलल में लेके चलेंगे अल्टरनेट वाइज। एक दिन का लेक्चर बायोलॉजी का होगा, एक दिन का केमिस्ट्री का होगा। इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस जो है कोई सब्जेक्ट रह ना जाए। साइंस में तो बिल्कुल नहीं रहेगा सर, मिला था बट नहीं बना पा। कोई बात नहीं अदिति, आप फिर से ट्राई कीजिए, है ना, जब भी टाइम मिले उसको फिर से देखिए। क्वेश्चंस बहुत आसान थे और बनने लायक थे। आप जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमसे क्वेश्चंस बन पा रहा है, यानी कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है। आप जब भागेंगे क्वेश्चंस बनाने से तो फिर कुछ नहीं होगा। पढ़ तो सभी लेते हैं लेकिन नौकरियां कुछ ही लोगों की लग पाती है, तो इसीलिए आप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना आपको। अमर अमर, मैं जान सकता हूँ कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था उसमें से, ताकि हम डिस्कस कर लेंगे। आपने नहीं पूछा, मैं ही बता देता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए उन 10 में से कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ था बायोलॉजी सेट प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं वो सेट प्रैक्टिस आपको अभी दिखा देता हूँ। वो सेट सेट प्रैक्टिस हम एक बार देख लेंगे ना तो आसानी होगी। और भी जो लोग नहीं जुड़ पाए वो जल्दी से ज्वाइन हो जाएं, अपने दोस्तों में या ग्रुप में शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि वो ज्वाइन हो जाए जल्दी से। आठ नंबर बताना है, ठीक है अमर, अभी देखते हैं आठ नंबर। देखिए हम शुरू से ही देख लेते हैं, जिसने ज्वाइन किया था ठीक है, जिसने नहीं किया था वो अभी फिर से देख लें, अभी भी कम लोग ही ज्वाइन कर पाए हैं। देखिए प्रैक्टिस इज लूसेंट बेस्ड था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, हमने 3 लेक्चर ये कवर कर दिया था। चौथा लेक्चर हमारा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो हमने दोबारा से ज्वाइन किया था। पता नहीं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाई या नहीं, तो उसमें से हमने प्रैक्टिस सेट किया था। ये यूट्यूब पे भी वीडियो है, आप देख लीजिएगा रिकॉर्डेड वीडियो। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन था इटियोलॉजी, इटियोलॉजी हमने कॉजिटिव एजेंट्स के बारे में इटियोलॉजी को पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ग्रासेस मैंने एग्रोस्टोलॉजी बताया था। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स मतलब बताया था इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, पहला ऑप्शन। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गाई, माइकोलॉजी स्टडी, देखिए माइकोलॉजी स्टडी ऑफ, देखिए क्या होता है कि फंजाई होता है, लेकिन फंजाई ऑप्शन में दिया नहीं है। तो फंजाई का एक एग्जाम्पल होता है मशरूम, मशरूम जो होता है वो फंजाई के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो मशरूम एक तरह से फंजाई हो गया, तो माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ मशरूम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़े घुमाए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको डायरेक्ट टर्म नहीं दे दिया गया, उसका एग्जाम्पल्स दे दिया गया, तो माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ मशरूम हो गया। डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ लोकोमेट्री सिस्टम, ये हमने ऑर्थोपेडिक पढ़ा था, ऑर्थोपेडिशन इसको डायग्नोसिस करता है। पैलेंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स पढ़ा था। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो में आप देख लीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चन को। ठीक है,
8 नंबर, हाँ देखिए, व्हेन रेजिन्स कैप्ड इन वाटर, इसीलिए मैंने कहा लेक्चर इम्पॉर्टेंट है अटेंड करना। मैंने लेक्चर के दौरान एग्जांपल डेली लाइफ, मैं कोशिश करता हूँ कि डेली लाइफ का एग्जांपल दूँ जो हमारे घर के आसपास या हमारे घर में वो एग्जांपल होते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन रेजिन कैप्ड इन वाटर इट स्वेल्स अप ड्यू टू इफेक्ट ऑफ। देखिए जब रेजिन्स मतलब क्या होता है, वो जो ड्राई फ्रूट होता है किशमिश, उसको आप अगर पानी में डालेंगे तो भिगोएंगे तो वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में पढ़ा था, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल का जो रेजिन्स का जो किशमिश का कंसंट्रेशन है अंदर में, उसका कंसंट्रेशन जो है कम होता है एज रेस्पेक्ट, ज़्यादा होता है एज रेस्पेक्ट टू जो वाटर का। तो वाटर क्या करती है कि जो आउटसाइड से इनसाइड जो वाटर जो है रेजिन्स के सेल में एंटर करने लगती है ना, रेजिन्स का सेल उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। तो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, कोई भी चीज़ वाटर को सोखेगा एब्जॉर्ब करेगा तो वो तो फूलेगा ही, तो वो स्वेल्स अप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, व्हेन रेजिन कैप्ड इन वाटर, अगर किशमिश को पानी में डालें तो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ये डेली लाइफ में भी आप किचन वगैरह में घर पे वगैरह में देखते होंगे, फुला के किशमिश खाते हैं तो वो क्या होता है पानी में डालते हैं तो किस वजह से होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से होता है। अगर इसी को जो है हम नमक की घोल में रख दें, किशमिश को नमक और पानी की घोल में, तो वो श्रिंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए तो अचार में नमक क्यों डालते हैं, क्योंकि अचार का सॉल्यूशन हाइपरटोनिक बनाने के लिए। उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया सेल्स को मार देता है, बैक्टीरिया सेल्स की जो है सारी आपकी फ्लूड जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर बैक्टीरिया का, उसको वो खींच लेता है बाहर। तो इससे क्या होता है बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और वो अचार जो है पिकल वो डिग्रेड होने से, खराब होने से बच जाता है। तो ये एक हाइपरटोनिक और एक हाइपोटोनिक का एग्जांपल मैंने बताया। अमर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पोइकिलोथर्मिक और हीमोथर्मिक मैंने बताया था, हीमोथर्मिक जिसकी बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होती है। पोइकिलोथर्मिक यहाँ देखिए आपको दिया है चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, तो आंसर इसका ट्रू जाएगा। ठीक है, एपिकल्चर ये बहुत आसान था, स्टडी ऑफ फिशेज। आप एक बार फिर सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही जो है आसान क्वेश्चन मैंने सेट किया था। हर सेट में 10 ही क्वेश्चन होंगे ताकि जो है आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, लोड ना लगे, और सबके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा, जिसको नहीं हो गया हो, नो सर क्लियर है। ठीक है, ये आप घर में भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। किशमिश को जो रेजिन्स है उसको पानी में डुबो दीजिएगा, देखिएगा फूल जाएगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है पानी का। ठीक है, तो ये सारा देखिए ये आपका प्रैक्टिस से डिस्कशन था। चलिए बिना समय गवाए अब हम केमिस्ट्री पर आते हैं। अच्छा ठीक है, जितने लोग हैं वो कमेंट करके हमें बताएंगे केमिस्ट्री होता क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन बताइए, है ना। ठीक है आदित्य, आप भी सॉल्व कर लीजिएगा जब भी टाइम मिले, बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने बता ही दिया। केमिस्ट्री का डेफिनेशन कोई बताएगा आप लोगों में से, जितने भी सारे ज्वाइन किए हुए हैं, अदिति, स्वीटी, अमर, सनी तो गायब ही है, एक दिन आया अटेंडेंस देकर चला गया। केमिस्ट्री का डेफिनेशन बताइए, सिंपल सा डेफिनेशन, जिसको जो आता है वही कमेंट में लिख के बताइए, बाकी तो हम पढ़ेंगे ही फिर आगे। किसी को थोड़ा बहुत आइडिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी में बता दीजिए। कोई केमिस्ट्री का डेफिनेशन बता पाएंगे? जैसे क्वेश्चन पूछा लोग भागने लग गए। चलिए कोई बात नहीं, भागने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूँ, है ना। देखिए इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट करना है,
तो इंट्रोडक्शन में आप देखिए स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ये एक साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम जो है कंपोजिशन ऑफ मैटर से डील करते हैं, फिर फिजिकल केमिकल करेक्टरिस्टिक। देखिए कोई भी सब्सटेंस होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका शेप क्या है, साइज क्या है, वॉल्यूम क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि आपका क्या वो केमिकल रिएक्शन शो करता है, किस लिक्विड में किस किस जो है सॉल्यूशन में उसको रखेंगे किस तरह का रिएक्शन देगा, या बाहर एनवायरनमेंट में लाइट के साथ कैसा रिएक्शन होगा, मतलब उसका केमिकली उसका कंपोजिशन क्या है, केमिकली वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, चीज़ों के साथ। तो इसी चीज़ को स्टडी हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, आप अगर बुक बुक साथ में होगा आपका, या कोई पीडीएफ होगा तो, या आपका नोटबुक होगा तो वहाँ आप नोट कर लीजिए कि ये जो है पूछा जाता है, ये फ्रेंच केमिस्ट, ठीक है, लोवाइजियर। लोवाइजियर जो है ये फादर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं ये। इसमें पढ़ाने वाली कोई बात नहीं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैंने टिक कर दिया वो आप लिख लीजिए या आप भी टिक कर लीजिए, ठीक है। फिर तीसरा लाइन में आप देखिए सब्सटेंस और उसके नेचर का जो है डेफिनेशन दिया हुआ है, ये भी बहुत आसान है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है, जो भी चीज़ ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, ठीक है, और उसका कुछ मास होता है, कुछ वजन होता है, और हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में अभी कॉपी है, ये एक सब्सटेंस हो गया क्योंकि इसका कुछ वजन है, और ये इतना वॉल्यूम, ये इतना पूरा एरिया कवर करेगा जहाँ भी हम इसको प्लेस करेंगे, जहाँ भी रखेंगे, ठीक है, और इसका हम फील कर पा रहे हैं कि इसका कुछ वजन है, तो ये क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया, यही इसका डेफिनेशन है। फिर मैटर, मैटर जो है उसको क्लासिफिकेशन किया है मैटर को, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हाँ ये तो साइंस का ही ब्रांच है, लेकिन आगे इसमें करते क्या है, ठीक है, इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है आदित्य। और कोई डाउट हो तो पूछिए, है ना, क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं, हमें भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। और अपने फ्रेंड्स को बोलिए आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना, आपके जो क्लासमेट्स हैं आप उसको सजेस्ट कीजिए कि यहाँ पे अच्छी क्लास होती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, और दूसरे सब्जेक्ट की भी, इंग्लिश की भी अच्छी क्लास हो रही है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। मैं समझा नहीं, डेफिनेशन देखिए केमिस्ट्री का, डेफिनेशन आपका आदित्य अधूरा है थोड़ा, इसको पूरा कर लीजिए। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, ठीक है, थोड़ा और एक दो शब्द आगे ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपका डेफिनेशन पूरा हो जाएगा, है ना, साइंस का तो ब्रांच है ही। और अपने प्लीज़ क्लासमेट्स को बोल दीजिए, जो आप स्कूल या कोचिंग में पढ़ते होंगे तो वहाँ आपके क्लासमेट्स होंगे, बोल दीजिएगा कि अभी केमिस्ट्री का नया क्लास स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच है, मॉर्निंग बैच, ठीक है, तो आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, वरना आपका बायोलॉजी में तो एक टॉपिक कवर हो गया है और केमिस्ट्री में भी आज पहला टॉपिक है, तो आप उनको बोल दीजिए कि जल्दी से ज्वाइन कर ले, आपके स्कूल या कोचिंग के जितने भी फ्रेंड्स हैं, घर बैठे पढ़ाई हो रही है तो अच्छी बात है ना। और कुछ दिन में फिजिक्स का भी लेक्चर हम लोग लेके आएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे सब पैरेलल में अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। मैटर का देखिए क्लासिफिकेशन दिया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, फिजिकल आपको पता होता है एक्सटर्नल बाहर से कैसा दिखता है, एक केमिकल जो अंदर में केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं, उसके क्या केमिकल रिएक्शन, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है मैटर के, ठीक है। फिजिकल के अंदर देखिए एक सॉलिड होता है, जैसे आपका बुक हो गया, पेन हो गया, लिक्विड स्टेट होता है जैसे आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया, और एक गैसियस स्टेट होता है जो आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया। तो मैटर जो है फिजिकल, फिजिकल फॉर्म में हम तीन ही चीज़ तो फिजिकल फॉर्म में देख पाते हैं, एक सॉलिड चीज़ों को देख पाते हैं, एक लिक्विड चीज़ों को देख पाते हैं, गैसियस चीज़ों को देख पाते हैं। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड और गैस हो गई फिजिकल के अंदर। फिर देखिए केमिकल के अंदर हमने डिवाइड कर दिया इसको मिक्सचर में, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, ठीक है। जैसे मिक्सचर वो हो गया, जैसे मान लीजिए मिलावट हो गया, चावल के अंदर कंकर डाल दिए, दूध के अंदर पानी डाल दिए, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। और एक प्योर होता है, एक 100% प्योर कोई सब्सटेंस होता है,
फिर उसको फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं उस प्योर सब्सटेंस को, कि क्या वो एलिमेंट है, धातु है, या क्या वो कंपाउंड है। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पे डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो मिक्सचर में हमने जान लिया कि मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ये एक कॉमन कॉमन नॉलेज की बात है, आप सबको पता होगा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो 100% प्योर हो, है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं हो। मिक्सचर क्या होता है, उसमें मिलावट होता है। तो प्योर सब्सटेंस को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, एक एलिमेंट हो गया, एक कंपाउंड हो गया। फिर मिक्सचर को भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया, होमोजीनस मिक्सचर और हीटरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें कि मान लीजिए आप दूध और पानी मिला रहे हैं, तो 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया, तो ये क्या हो गया, 1 लीटर दूध भी है, 1 लीटर पानी भी है, तो दोनों की समानता हो गई। हाँ, एक एक लीटर, एक एक लीटर है दोनों, तो समानता, समान अनुपात में अगर कोई भी चीज़ को मिक्स करते हैं तो वो होमोजिनस हो जाता है। हीटरोजिनस क्या होता है, असमानता, असमान तरीके से मिक्स करते हैं। जैसे 5 लीटर पानी में 1 लीटर ही दूध मिलाया, आजकल पानी में ही दूध मिलाते हैं ना, दूध में पानी कहाँ मिलाते हैं, तो 5 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाया, तो वो क्या हो गया, हीटरोजिनस मिक्सचर हो गया। पानी क्या है, 5 लीटर है, और दूध जरा सा है, 1 लीटर है, तो अनुपात जो है ये समान नहीं है ना, सेम रेशियो में नहीं है, तो ये क्या हो गया, हीटरोजिनस मिक्सचर हो गया। ठीक है, फिर इधर आइए, एलिमेंट को हमने फिर मेटल, नॉन मेटल और मेटुलॉइड्स में डिवाइड कर दिया। ये केमिस्ट्री में 6th क्लास में पढ़ते होंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, कंपाउंड को हमने फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड कर दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड कर दिया। इन सब की, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, वो एक एक करके हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन तक किसी को कोई दिक्कत, आप कमेंट करके बताइए, हम 1 मिनट वेट कर लेंगे। जी बताएं। नो सर, क्लियर है। ठीक है, एक एक अदिति है क्या क्लास में, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? हाँ अमर, अमर वेरी गुड, क्लियर है, हम आगे बताएं। ठीक है अमर, दो लोगों का जवाब आया है, अच्छी बात है। अब बाकी लोग, चलिए ठीक है, जिसने ज्वाइन नहीं किया उसको कह दीजिए ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि न्यू चैप्टर है, फिर बाद में अगर बेसिक क्लियर नहीं होगी तो समझने में दिक्कत आएगा। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया इस कॉपी का, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है, अभी सॉलिड फॉर्म में है। इसमें सॉलिड फॉर्म में हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक डेफिनेट शेप है। ठीक है, ये एक ओब्लॉन्ग शेप नोटबुक है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ये डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, और इसको जो है प्रेशर देने पर ये कंप्रेस हो जाता है, और ये रिजिड भी है, कड़ा भी है, तो इसीलिए इसका ये सारे गुण इसमें मिलते हैं, इसीलिए ये नोटबुक क्या हो गया हमारा, सॉलिड सब्सटेंस हो गया। तो आप डेफिनेशन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब मेरी बात को अगर समझ जाएंगे, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ए सॉलिड पोजेज ए डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एंड इट शुड नॉट बी कम्प इट 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 कैन नॉट बी कम्प्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, और प्रेशर पड़ने के बाद जो कॉम्प्रेस नहीं होता, ठीक है, वैसा का वैसा ही रह जाता है। हाँ, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे कोई भी चीज़ों पे तो वो भले ही उसका शेप जो है बिगड़ सकता है, पर वो कॉम्प्रेस नहीं होता। ठीक है, ये सॉलिड जनरली हार्ड और रिजिड होता है। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, मेटल्स हो गए, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, ईट हो गया, कॉपर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, मेटल्स है। ठीक है, लिक्विड स्टेट आपको पता है, जिसमें कि डेफिनेट वॉल्यूम होती है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे डेफिनेट शेप भी था और डेफिनेट वॉल्यूम भी था, मतलब शेप भी हम देख पा रहे थे और वॉल्यूम भी सही से देख पा रहे थे। लिक्विड में क्या होता है कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर बकेट में रख देंगे या मग में लिक्विड रख देंगे तो वो उसका शेप ले लेता है लिक्विड उस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वॉल्यूम एक्वायर कर लिया, लेकिन उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। आप अगर एड़े टाढ़े बर्तन में रख दीजिएगा तो वो उसका शेप ले लेगा, आप बकेट में रख दीजिए उसका शेप ले लेगा, तो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अगर लिक्विड फ्लोर पर फ्लो कर रही है, पानी को अगर फ्लोर पर फ्लो कराएं, बहने दें, तो वो देखिएगा उसका कोई शेप नहीं होगा, इधर आड़े तिरछे जो है वो
उसका शेप होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है डेफिनेट होता है। कहीं भी किसी भी यूटेंसिल किसी भी बर्तन में रख दीजिए, वो उसका शेप गेन कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वही लिखा हुआ, दिस मीन दैट लिक्विड कैन टेक अप शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर जिसमें हम पानी रखते हैं उसका शेप ले लेता है। लिक्विड का आसान सा एग्जांपल है पानी हो गया, दूध हो गया, ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें लिक्विड के अंदर आती है। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में क्या होता है, देखिए वो सॉलिड में क्या होता था, डिफिनेट शेप और डिफिनेट वॉल्यूम होता था। लिक्विड में डिफिनेट वॉल्यूम होता था पर डिफिनेट शेप नहीं होता था। गैस में क्या होता है कि ना ही शेप डिफिनेट होता है ना ही वॉल्यूम होता है, मतलब वो कहीं भी किसी भी रैंडम डायरेक्शन में गैस जो है ट्रेवल कर सकता है। तो इसको आप टिक मार्क कर लीजिए, ए गैस डज नॉट हैव डिफिनेट वॉल्यूम और डिफिनेट शेप। ठीक है, और इट कैन बी कॉम्प्रेस्ड, और ये कॉम्प्रेस किया जा सकता है, प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस कॉम्प्रेसेबल होता है, कॉम्प्रेस कर किया जा सकता है, जैसे सिलेंडर वगैरह में जो भरते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया गैस का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं आपको भी पता होगा। ठीक है, अब नया जो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत, गैसियस स्टेट तक किसी को कोई दिक्कत? अमर कुमार, नो डाउट। ओके आदित्य, नो डाउट। अमर, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट, तीन स्टेट मैंने पढ़ा था। इसको एक दूसरे में कैसे बदल सकते हैं उसी का यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के रूप में दिया गया है, आप एरो पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट में देखिए एरो इस तरफ है और हीट देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, जैसे आइस को, है ना, आप बर्फ़ को अगर हीट दीजिएगा, आग में तपाइएगा, है ना, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और वही वही लिक्विड में चेंज हुआ हुआ वो पानी स्टेट में चेंज हो जाता है सॉलिड। अगर बर्फ़ को हीट कीजिएगा तो पानी बन जाता है, पानी को जब हीट कीजिएगा तो वो वेपर बन जाएगा, भाप बन जाता है। देखिए यहाँ पे आप एरो को फॉलो कीजिए, सॉलिड स्टेट को हीट किया तो लिक्विड बना, लिक्विड को हीट किया तो वेपर बना। अब इसका आप उल्टा आ जाइए, इस साइड उस साइड से इस साइड में आ जाइए, जब वेपर को हमने कूल करेंगे, यहाँ पे हीट नहीं करेंगे कूल करेंगे, जब वेपर को हमने ठंडा किया तो वो लिक्विड हो जाता है। जैसे आप घर पे देखते होंगे कि पानी को गर्म करते हैं और उसके ऊपर अगर कोई सा ढक्कन रख देते हैं बर्तन के ऊपर और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो देखते होंगे बर्तन के ऊपर जो है आपका भाप बन के जो है लिक्विड में जो है ड्रॉपलेट्स में जो है वो बर्तन के अंदर फिर से दोबारा आने लगता है, तो वेपर जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब वो ठंडा होता है तो, सॉरी वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसे ठंडा करते हैं, तो फिर जब लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। जैसे आप पानी को फ्रिज में, अभी गर्मियों के दिन में जो है फ्रिज में पानी रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, कूल कर रहे होते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो वो क्या होता है सॉलिड में चेंज हो जाता है, एक बर्फ के टुकड़े में चेंज हो जाता है। वैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो फ्रिज का पानी पीना नहीं चाहिए, है ना, गर्म पानी पिए। तो एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया डेली लाइफ में एग्जाम्पल, कि जब जो है लिक्विड पानी को अगर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं लो टेम्परेचर पे तो वो एक बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लिक्विड स्टेट जो है सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट लाइन में दिया गया, वाटर जो है तीन स्टेट्स में जो है होता है, तीन स्टेट्स में हम वाटर को देख पाते हैं। पहला तो पानी जो है बर्फ भी बन सकता है, सॉलिड स्टेट जिसको कहते हैं, पानी तो पानी है ही जो लिक्विड स्टेट में है। अब पानी को अगर हीट कर दिया जाए तो वेपर बन जाता है जो गैस स्टेट, यानी कि पानी के तीनों स्टेट्स होते हैं। ठीक, तीनों फॉर्म होते हैं, आइस भी होते हैं जो सॉलिड स्टेट होते हैं, पानी आइस को अगर पिघला दिया जाए तो वो पानी बन जाता है, स्वयं लिक्विड हो गया, और पानी को अगर गर्म कर दिया जाए तो भाप बन जाता है तो वो गैस हो गया, तो पानी के तीनों स्टेट हो गए।
ठीक है, अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे मैंने क्लासिफिकेशन में यहाँ पे पढ़ा था प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, तो प्योर सब्सटेंस में आ जाते हैं। तो प्योर सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस होता है जिसमें कि जो है कोई मिलावट नहीं होती, कोई मिक्सचर नहीं होता, ठीक है, और उसको हम जो है इजिली सेपरेट नहीं कर पाते। जैसे 1 लीटर, 1 लीटर जो है दूध है और काफ़ी प्योर है, उसको कितना भी आप जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप उसकी प्योरिटी चेक कीजिएगा तो वो 100% प्योर ही होगा, यानी कि उसमें हम कोई भी मिलावट को सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से। तो वो क्या हो गया, वो 1 लीटर दूध अगर प्योर है तो वो क्या प्योर सब्सटेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। ए सिंगल सब्सटेंस और मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जैसे मैंने बताया कि प्योर सब्सटेंस में कोई मिलावट है ही नहीं, तो आप किस चीज़ से अलग करेंगे, वो तो प्योर है तो है 100%, ठीक है। और काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये आपका प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन हो गया। प्योर सब्सटेंस का हमने फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा था। प्योर सब्सटेंस का दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एलिमेंट होते हैं और एक कंपाउंड होते हैं। तो अब एक एक करके हम देखेंगे। एलिमेंट क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है प्योर सब्सटेंस का, एक ठीक है, जिसको हम ना तोड़ सकते हैं ना ही बना सकते हैं। डेफिनेशन आपको देखिए थियोरिटिकल चीज़ें हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। वैसे एग्जाम में डेफिनेशन जनरली नहीं पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल का एग्जाम्पल पूछ देगा, नॉन मेटल का एग्जाम्पल पूछ देगा, चार ऑप्शंस दे के, है ना। मेटलॉइड का एग्जाम्पल्स पूछ दिए जाएंगे चार ऑप्शन दे के, तो डेफिनेशन जनरली नहीं पूछा जा सकता। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको डेफिनेशन भी याद रखना है, ठीक है। एलिमेंट वो क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंस का, जिसको हम फिजिकली, जिसको हम ना ही तोड़ सकते हैं ना ही बना सकते हैं किसी भी मेथड से, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, ठीक है। एलिमेंट्स को देखिए हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ये बचपन में भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मेटल क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पे टिक मार्क कर दे रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना। मेटल तो एक पहला सॉलिड्स होता है, इसमें से एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देखिए एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन वो चीज़ होता है जो कि उसके अलावा जो और सारी चीज़ें एक ही तरह है। यहाँ पे एक्सेप्शन देखिए क्या है, एक्सेप्शन मरकरी है। मरकरी क्या है, सॉलिड कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। मरकरी सॉलिड कैटेगरी के, जो मरकरी मेटल कैटेगरी के अंदर आता है, माफ़ कीजिएगा, मरकरी मेटल के अंदर आता है, लेकिन है क्या, वो लिक्विड है और मेटल जनरली होता है क्या है, सॉलिड। तो ये हो गया ना एक्सेप्शन, ठीक है। तो मरकरी को आपको याद रखना है, मरकरी सारे जो है मेटल सॉलिड होते हैं, एक मरकरी अकेला जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मेटल जो है हार्ड होता है, धातु जो है वो कड़ा होता है, तो याद करना। अमर मैं समझा नहीं, क्या आप बोलना चाह रहे हैं। देखिए डेफिनेशन पूछ लिया तो आपको याद रखना पड़ेगा, और डेफिनेशन याद रखने में कुछ नहीं है, आप तोड़ तोड़ कर डेफिनेशन को याद रखें। जैसे एलिमेंट का डेफिनेशन है तो आपको पहले याद रखना एलिमेंट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, पहला पॉइंट बन गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या बन गया, जिसको हम ना तोड़ सकते हैं ना ही बना सकते हैं, विच कैन बी नीदर ब्रोकन नॉर बिल्ट, ठीक है। आप अगर हिंदी में समझ जाइएगा तो इंग्लिश में खुद से ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये दो सारे पॉइंट जो है, दो पॉइंट जो है आपके एलिमेंट के डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। तो कभी भी डेफिनेशन को आपको याद रखना है तो तोड़ तोड़ कर याद रखेंगे, है ना, पहले एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। तो डेफिनेशन आपको पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेशन को छोड़ के पढ़ेंगे, लेकिन आप डेफिनेशन पे कम ध्यान देंगे, एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर डेफिनेशन पे आप 90% ध्यान, अगर कोई टॉपिक है तो 90% ध्यान आप उसके एग्जाम्पल्स पे देंगे। जैसे मेटल का एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ से चार ऑप्शन आपको दे के पूछ लेगा कि कॉपर किसके अंदर आता है, मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड्स है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको कॉपर जो है मेटल होता है, गोल्ड मेटल होता है, सिल्वर मेटल होता है, जिंक मेटल होता है, आयरन मेटल होता है। तो एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस करना है, डेफिनेशन आपको पढ़ना है ना, लेकिन छोड़ना नहीं है ना। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया डेफिनेशन, हमने बोला है कि डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, पढ़ना है लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देके एकदम आसान भाषा में पढ़ना है डेफिनेशन, और आपको एग्जाम्पल्स हमेशा याद नहीं रखने हैं, ठीक है। तो अल्मोनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सारे एग्जाम्पल जो आप टिक मार्क कर लीजिए, पूछ लिया जाता है। तो मेटल के अंदर क्या पढ़ा हमने, ये सॉलिड होता है, हार्ड होता है, और इसमें एक एक्सेप्शन होता है मरकरी। मरकरी क्या, मर्क्यूरी क्या होता है कि मेटल तो होता है पर वो लिक्विड होता है, और मेटल जनरली सॉलिड होता है। तो एक एक्सेप्शन हो गया हमारा, अपवाद कि
कि मरकरी जो है वो लिक्विड होता है मेटल होने के बावजूद, एग्जाम्पल हमने देख लिया। फिर नॉन मेटल, देखिए नॉन मेटल क्या होता है, जस्ट मेटल का अपोजिट होता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक लिखा हुआ भी है, अपोजिट टू दैट ऑफ मेटल। और यहाँ पे मेटल हमने पढ़ा था सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं है। नॉन मेटल में जो है सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है। गैलियम, गैलियम हाँ, गैलियम भी प्रेडिक्टेबल के ही अंदर आता है उस, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल बन सकता है गैलियम। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ, तो देखिए लूसेंट में क्या है ना कि एक आपको दिया है शॉर्ट नोट्स टाइप का बुक है ये, है ना। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं है, पर हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक बन जाता है। और हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कोई भी SSC हो, कोई भी जनरल कंपटीशन हो, उसमें जो है GK GS का पोर्शन जो है इससे बहुत ज़्यादा कवर होता है, ठीक है। तो ऐसे गैलियम हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेटल के अंदर, इसमें कुछ ही दे रखे हैं, ठीक है। नॉन मेटल में देखिए मेटल का अपोजिट होता है, और मेटल सिर्फ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं है, तीनों स्टेट में पाया जाएगा। इस लाइन को आप पढ़िए, दे आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब लिक्विड लिक्विड सॉलिड और गैस में भी, ठीक है। दे डू नॉट पोजेस लस्टर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हमें आयोडीन याद रखना है, आयोडीन नॉन मेटल के अंदर एक्सेप्शन है, ठीक है। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट हो सकती है। देखिए कॉपर का वायर बनता है, अल्मीनियम का वायर बनता है, ये सब क्या है, ये सब जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन नॉन मेटल क्या है, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपेरिजन करके पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें आसान हो रही है। लेकिन नॉन मेटल क्या है, पुअर कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगी। फिर अपवाद आ गया एक, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, बाकी सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। तो ये ग्रेफाइट को आप टिक मार्क कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए नॉन मेटल के, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। अब पीरियडिक टेबल, जब हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं पीरियडिक टेबल भी आपको दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें पीरियडिक टेबल में दी हुई है ना। यहाँ सिर्फ जो है डेफिनेशन और एग्जाम्पल ही सिर्फ देख रहे हैं अभी इंट्रोडक्शन की क्लास में, तो आप एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लीजिए, नॉन मेटल का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। मेटलॉइड्स आते हैं, देखिए मेटलॉइड्स वो कंपाउंड, वो चीज़ होती है, वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल के भी नॉन मेटल के भी। हाँ अपवाद में, वो अपवाद में चीज़ें आती है, ग्रेफाइट एक्सेप्शन हो गया जी अनिरुद्ध, ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शन हो गया, ये नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरली नॉन मेटल नहीं कंडक्ट करती, मेटल कंडक्ट करती है, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए कभी कभी बोर्ड वगैरह में देखेंगे, बिजली बोर्ड में ग्रेफाइट का लगाया जाता है, ग्रेफाइट की चीज़ें लगाई जाती है। मेटलॉइड्स हम पढ़ते हैं, मेटलॉइड देखिए सिंपल सी चीज़ है जिसमें मेटल का भी गुण हो और नॉन मेटल का भी गुण हो, दोनों का गुण हो, दोनों की प्रॉपर्टी हो जिस चीज़ में, उसको क्या कहते हैं मेटलॉइड्स। देखिए मेटलॉइड्स हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका एग्जाम्पल देखिए, कुछ ही एग्जाम्पल, तीन ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, बाद में ETC दे रखा है, तो आपको जो है ये आपका होमवर्क रहा। हाँ जी स्वीटी जी, गुड मॉर्निंग, आप आज आप लेट कैसे हो गए, और अच्छा खासा लेट हो गए आप, है ना। अब तो लेक्चर बंद भी होने वाला है, 50 मिनट लेट हो गए आप। चलिए जब जागे तभी सवेरा, अब जितना आगे बचा हुआ है उतना देख लेते हैं, इसमें कोई डाउट हो तो अगले लेक्चर में आप पूछ लीजिएगा, है ना, ठीक है स्वीटी, ठीक है। तो मेटलॉइड्स का एग्जांपल आप टिक मार्क कर लीजिए, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। ये तीन ही एग्जाम्पल दे रखे हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं मेटलॉइड्स के, ये जब हम पीरियडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें से पढ़ेंगे, हर एक एलिमेंट्स को उसमें से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में, किसी को कोई डाउट एग्जाम्पल्स में या डेफिनेशन में, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर हम आएंगे कंपाउंड पे।
अदिति, कोई डाउट? अनिरुद्ध, अमर, स्वीटी, कोई डाउट आ तो पूछ लीजिए। देखिए क्लास जब इंटरेक्टिव होता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग का रेस्पॉन्स जब आता है तो। देखिए कुछ लोगों का नाम भी हमें याद हो गया जबकि हमने कुछ ही लेक्चर इंटरेक्ट किया है अभी तक। 3 लेक्चर बायोलॉजी के किए हैं, आधा केमिस्ट्री के, पहला लेक्चर, 4-5 लेक्चर हमने किया है। चलिए कोई डाउट है तो पूछ लीजिए वरना आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट? यहाँ तक सबको समझ में तो आ रहा है? कोई डाउट, किसी भी तरह का डाउट हो सके तो आप पूछ सकते हैं। और आप प्लीज़ जो है ना अपने फ्रेंड्स को स्कूल या कोचिंग या आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके एज के हैं और जो आप ही के क्लास में पढ़ते हैं या जूनियर भी है या सीनियर भी हैं, तो आप उसको प्लीज़ रेकमेंड कीजिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। और हमारा जो है लाइव चैनल, लाइव क्लासेस जो हमारे हर सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से, कभी कभी 10:30 से भी होती है, तो वो ज़रूर अटेंड करें। ठीक है चलिए। स्वीटी देखिए आप थोड़ा लेट हैं लेकिन मैंने ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ाया, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा 5-6 क्लास में। ठीक है, अब जो इंड मीडियम के होंगे 7-8 में पढ़े होंगे। देखिए मैंने इतना ही पढ़ाया, इंट्रोडक्शन पढ़ाया, क्लासिफिकेशन पढ़ाया, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं एरो देके समझाया गया है, फिर मेटल नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड्स का होता है। बस आपका इतना ही पोर्शन आज रह गया है, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर से दोबारा क्लास ले लूँगी। ओके ओके श्योर। सो लेटेस्ट मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड देखिए, एलिमेंट और कंपाउंड को हमने प्योर सब्सटेंस में डिवाइड कर दिया था। एलिमेंट हमने पढ़ लिया, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स होता है। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, ये भी एक प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट है, प्योर सब्सटेंस का ही क्लासिफिकेशन के अंदर पर हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक अकेला एलिमेंट नहीं होता, इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे CO2 मैंने बोल दिया, H2O बोल दिया, ये सब क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर जो बनता है जो भी चीज़ें वो कंपाउंड हो जाती है। देखिए डेफिनेशन पढ़ लीजिए, सिंपल सा है ना, डेफिनेशन छोड़ना नहीं है लेकिन थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना है। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, ये तो प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है, हमने पढ़ा था। कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा अलग अलग धातु पाए जाते हैं कंपाउंड के अंदर। ठीक है, इन ए फिक्स प्रपोर्शन बाय मास, फिक्स प्रपोर्शन बाय मास का मतलब क्या हुआ कि जैसे CO2 ऑक्सीजन का 2 हो गया और कार्बन का 1 हो गया, तो ये दोनों मिलके जो है ऑक्सीजन का 2 और कार्बन का 1 मिलके CO2 बनाता है, ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जाहिर सी बात है एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनाए तो एलिमेंट का प्रॉपर्टी और कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। तो कंपाउंड का आप एग्जाम्पल टिक मार्क कर लीजिए। देखिए कंपाउंड का एग्जाम्पल वाटर, जैसे मैंने बताया H2O हो गया, शुगर हो गया C6H12O6, सॉल्ट हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया CCl3। देखिए ये सब का केमिकल फार्मूला आगे पढ़ेंगे। अल्कोहल हो गया, अल्कोहल भी बहुत तरह के होते हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ईथर, ईथर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आप टिक मार्क कर लीजिए। आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल ही देख पा रहे हैं, राइट। अब देखिए कंपाउंड्स के भी क्लासिफिकेशन आ गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत आसान सा टॉपिक है ये पढ़ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो हम लिविंग सोर्स से डिराइव करते हैं। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट? देखिए एलिमेंट क्या होता है ना, एक सिंगल होता है, जैसे मैंने सिर्फ हाइड्रोजन बोल दिया H, कार्बन बोल दिया C, ऑक्सीजन बोल दिया O, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स होगी। लेकिन यही जब कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्स हो जाएगा CO2, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O, तो
तो क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। और अगर सिंगल सिंगल आइडेंटिटी में देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। लेकिन वही H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो एलिमेंट से ही कंपाउंड हमारा बनता है। हाँ जी अनिरुद्ध, कौन सी विधि से अल्कोहल बनता है, ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है, लेकिन आप जो विधि बता रहे हैं उससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। हो सकता है आपके लिए ये मेरे लिए नई चीज़ें हैं, आपको अच्छी से जानकारी होगी इस बारे में। ठीक है, कंपाउंड और एलिमेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। अभी भी कोई डाउट, आगे बढ़ें। किनवान विधि को आप अनिरुद्ध जरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, शायद इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। खैर कोई बात नहीं। नो डाउट, ऑल राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि लिविंग सोर्स से डिराइव होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है नेचुरल फॉर्म में, ठीक है। तो वो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, देखिए केमिस्ट्री के भी तीन पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको बेसिकली पढ़ना है। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी वही पढ़ेंगे, रॉक्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, वॉशिंग सोडा, ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो लिविंग सोर्स से डिराइव होता है, लिविंग सोर्स से हमें जो है। कोई बात नहीं अनिरुद्ध, हमें भी सीखने को मिल रहा है। किनवान विधि भी मैं समझ गया, शायद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, आप चेक कर लीजिएगा, है ना। आप अपने जगह सही है, मैं अपने जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों जो है आपस में मिलके जो है ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। आप हमें हिंदी में बताइएगा, मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है किण्वन विधि, है ना। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का आप एग्जांपल जो है टिक मार्क कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हमें, चावल से मिलता है, तो रोटी से मिलता है, जितने भी ग्रेन ग्रेन फूड्स हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, दूध, अंडा, मीट, मछली, प्रोटीन, ये सारे क्या है, लिविंग सोर्स है ना। तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ऑयल्स हो गए, फैट्स हो गए, ये चार तो आप टिक मार्क कर ही लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिटेल पढ़ेंगे इसको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्स से डिराइव होते हैं, ठीक है। यहाँ जस्ट ऑर्गेनिक का उल्टा कर दीजिए, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग सोर्स से डिराइव होते हैं। जो नॉन लिविंग सोर्स क्या हो गया, जैसे पत्थर हो गया, मिनरल्स हो गया, यहाँ से डिराइव होते हैं जो भी कंपाउंड, उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपका सॉल्ट हो गया, है ना। नमक कहाँ से होता है, नमक नमक क्या है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ही अंदर आता है। ये तो कोई लिविंग सोर्स से नमक का हम प्रोडक्शन करते नहीं है। मार्बल हो गया, मार्बल तो कोई लिविंग सोर्स से प्रोडक्शन होता नहीं है ना। वॉशिंग सोडा हो गया, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनऑर्गेनिक के, है ना। कोई भी केमिकल हो गया, है ना, अगर वो नेचुरल केमिकल है तो ऑर्गेनिक हो गया, इन नेचुरल केमिकल नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक केमिकल हो गया। तो ये डेफिनेशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के, डेफिनेशन डिफरेंस और एग्जाम्पल, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए फटाफट, वरना हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट आप फटाफट पूछ लीजिए। आज का लास्ट टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर कंप्लीट होते ही सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर नेक्स्ट लेक्चर में, आगे बताएं, ठीक है। अमर आगे आगे चलेंगे, और किसी को कोई डाउट तो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं साथ साथ आपका डाउट भी क्लियर
क्लियर करता चलूँगा। देखिए मिक्सचर मैंने यहाँ पे बताता, जब मैं मैटर का क्लासिफिकेशन बता रहा था, मिक्सचर क्या होता है, मिलावट समझ लीजिए हिंदी में, ठीक है। तो मिलावट को ही मिक्सचर कहा जाता है ना। खाने वाला मिक्सचर नहीं होता, खाने वाला भी मिक्सचर होता है, खाने वाला भी मिक्सचर में उसमें भी बहुत तरह के वेराइटीज होते हैं, तो वो भी मिक्सचर, इसीलिए उसको मिक्सचर कहा गया है ना। और यहाँ भी मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिलावट, जनरल भाषा में समझिए, सामान्य भाषा में। तो ए मेटेरियल ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग टू आर मोर सब्सटेंसेज, तो मिक्सचर कैसे ऑब्टेंड होगा, मिक्सचर कैसे बनेगा, तो एक और दो सब्सटेंस का, एक और एक एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस को, चीज़ों को जो हम मिला देंगे, तो वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। इनडेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब जो है कोई फिक्स्ड अनुपात नहीं होगा उसका। अगर 1 लीटर, 1 लीटर पानी में 50 लीटर जो है दूध मिला दिया, तो वो एक क्या फिक्स थोड़ी है, 1:50 का रेशियो हो गया, लेकिन मिक्सचर तो हो गया, तो वो दूध और पानी के मिश्रण को क्या बोलेंगे, मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। उसका प्रॉपर्टी लेकिन अनचेंज रहेगा, अगर दूध को पानी में हमने मिलाया, तो जो दूध की प्रॉपर्टी है वो दूध की ही प्रॉपर्टी रहेगी, पानी की प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी। और जो पानी की प्रॉपर्टी है, जो पानी का गुण है, वो पानी का ही गुण रहेगा, दूध का गुण नहीं बन जाएगा, दूध का गुण वो अब नहीं अपना लेगा। तो इसीलिए गुण जो है, प्रॉपर्टी जो है, अलग अलग ही रहेगी, लेकिन वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। और एग्जाम्पल देख लीजिए मिक्सचर का, मिक्स हो गया, मिल्क हो गया, सी वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, पेंट हो गया, ग्लास हो गया, सीमेंट हो गया, लकड़ी हो गई, इन सब में थोड़ी बहुत मिलावट होती है। घर में भी आजकल जो है मिलावट की सामानें आने लग गई हैं, किराना स्टोर में खासकर ज़्यादा सरसों के तेल में मिलावट आ रहा है ना, और चावल में मिलावट, कंकड़ मिला देते हैं, दूध में तो पानी बहुत सदियों से मिलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया आपका मिक्सचर का। तो ऐसे आप डेली लाइफ कॉमन एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मिक्सचर के टाइप्स पढ़ लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जैसे कि 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाया, तो ये क्या हो गया, समान अनुपात में हमने मिलाया, एक एक लीटर, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस। होमो मीन्स क्या होता है, समान, ठीक है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। आप एग्जाम्पल को बहुत इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेंगे यहाँ पे, जैसे नमक को पानी में डिजॉल्व करते हैं, चीनी को पानी में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, नमक को CCl4 क्लोरोफॉर्म टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं इसको, इसमें डिजॉल्व करना, बेंजीन को टॉलुइन में अगर डिजॉल्व करते हैं, मिथाइल अल्कोहल को अगर पानी में डिजॉल्व करते हैं, तो ये सारा क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। मतलब आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें मिक्सचर भी है, मिक्स करने के बाद, जैसे नमक को पानी में घोल दिए जाते हैं, घुलने के बाद पता थोड़ी चलता है कि नमक इसमें घुल गया है, अगर घोल के आप छोड़ दीजिएगा कुछ देर, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें नमक है, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं कीजिएगा। सेम इज विथ शुगर, शुगर का भी यही होता है, पानी के साथ घोल दीजिए तो, और छोड़ दीजिए, तो आपको थोड़ी देर में पता नहीं चलेगा कि इसमें जो है, इस पानी में शुगर मिला हुआ है, जब तक आप उस पानी को टेस्ट नहीं करते, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल विथ इन वाटर, तो इसका सर कॉमन सा एग्जांपल है, जो लोग पैग लगाते हैं, पैग लगाते हैं, तो उसमें देखिएगा कि जो है अल्कोहल में वो थोड़ा पानी मिलाते हैं, तो अल्कोहल में जो पानी मिलाते हैं, फिर उसमें थोड़ा पता थोड़ी चलता है कि उसमें पानी मिला हुआ है, बस जो जिस जो मिला रहा होता है उसको पता चलता है कि हाँ, इस ये पैग जो लगा रहे हैं अल्कोहल का, इसमें पानी मिल रहा है। तो ये सारे कॉमन एग्जाम्पल हैं, आप रिलेट करके याद रख सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर का, ठीक है। हेटरोजीनस मिक्सचर, हेटरोजीनस मिक्सचर वही हुआ जो समान अनुपात में नहीं मिलाया जाता और उसको हम इजिली सेपरेट कर लेते हैं। जैसे आजकल देख सकते हैं आप, चावल में कंकड़ मिला देते हैं, तो चावल को जब बना रहे होते हैं, चावल को जब हम पका रहे होते हैं, तो उसमें से पहले हम कंकड़ को हटा लेते हैं, ठीक है, कंकड़ को हटा लेते हैं, छान लेते हैं, तो वो क्या हो गया, हेटरोजीन, चावल और कंकड़ क्या हो गया, हेटरोजीनस मिक्सचर हो गया। क्यों, क्योंकि हमें इजिली कंकड़ दिख रहा है और चावल अलग दिखता है, कंकड़ अलग दिखता है, और हम उसको इजिली सेपरेट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हेटरोजीनस मिक्सचर हो गया। देखिए डेफिनेशन पढ़िए, ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेटरोजीनस, हेटरोजीनस मतलब अलग अलग, डन नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक ही समान अनुपात में मिक्स नहीं करते। अगर एक बोरे चावल में 1 किलो कंकड़ मिला दिया जाए, तो ये समान अनुपात नहीं है, ठीक है, और वो विजिबल होता है, कंकड़ अलग दिख सकता है हमें, चावल अलग दिख सकता है, और हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, कंकड़ को चावल से अलग कर सकते हैं। तो ये कंकड़ और चावल का मिक्सचर क्या हो गया, हेटरोजीनस मिक्सचर हो गया। और इसका देखिए, ये मैंने डेली लाइफ किचन का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आप लूसेंट का बुक का एग्जाम्पल याद रखेंगे, हेटरोजीनस एग्जाम्पल, हेटरोजीनस मिक्सचर का,
कि ए मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड, अगर सल्फर को बालू में रेत में मिला दिया जाए तो वो हिटरोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर आयरन फिलिंग्स को, आयरन के टुकड़े को अगर बालू में मिला दिया जाए तो हम आयरन के टुकड़े को अलग कर सकते हैं, बालू को अलग कर सकते हैं, रेत को अलग कर सकते हैं, तो ये क्या है, हिटरोजीनियस मिक्सचर है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं मिक्सचर तक, ठीक है। आज हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन देखा, कहाँ गया, हाँ इंट्रोडक्शन देखा, मैटर का क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने प्योर सब्सटेंसेस देखे, उसके अंदर एलिमेंट कंपाउंड देखा, एलिमेंट के अंदर नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड्स, उसके एग्जांपल्स पढ़े, ठीक है। कंपाउंड के अंदर कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके एग्जांपल्स। फिर हमने मिक्सचर पढ़ा, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेटरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, साथ में एग्जांपल देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि इस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मिलावट को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो उसका बहुत सारा प्रोसेस है, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 आपको प्रोसेस मिलेंगे, ठीक है। ये सारे प्रोसेस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये कॉन्सेप्चुअल है, अगला लेक्चर आप कोई भी ना लेट आए ना मिस, ना लेक्चर को मिस करें, क्योंकि अगर ये आज तो इंट्रोडक्शन था, आज तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा, लेकिन अगला लेक्चर आप अगर मिस करेंगे या लेट आएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। थैंक यू अदिति, थैंक यू वेरी मच, है ना। इसी तरह आप लोग जो है कंसिस्टेंट रहिए, और आपने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना अधिक लोग क्लास में आएंगे उतना मज़ा आएगा पढ़ने में, आप सबका रेस्पॉन्स आएगा तो हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। आज का क्लास बहुत बेसिक था, अगले क्लास में थोड़ा जो है टॉपिक का लेवल बढ़ते जाएगा, तो ध्यान से पढ़ेंगे और मिस मत कीजिएगा। अब प्रैक्टिस सेट का भी लेक्चर आप लोग मिस मत कीजिए, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे वो ज्ञान की ही बातें होती है वहाँ पर, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट का समय देते हैं, वरना आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेशन और मिक्सचर लेकर आएंगे, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में बायोलॉजिकल लेके आए, उसके बाद फिर केमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट, अमीर, अमर, स्वीटी, अनिरुद्ध, कोई डाउट, ओके अदिति, नो डाउट, ठीक है। और किसी को कोई डाउट, स्वीटी, नो डाउट। अच्छा, आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पूछना है किसी सब्जेक्ट में डाउट से रिलेटेड, या कोई ऐसा टॉपिक जो अभी तक पढ़ा गया हो समझ में नहीं आया हो, या किसी भी तरह के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हो। अच्छा, ये जरा जाते जाते आप लोग हमें बताएंगे कि कौन कौन स्टूडेंट कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ। 4 5 लोगों को तो मैं जान गया हूँ, ऑनलाइन के नाम से मैं जान गया हूँ, जैसे अदिति होगी, स्वीटी होगी, अमर हो गया, अनिरुद्ध हो गया, सनी जो है बहुत दिन से नहीं आ रहा है ना। अब बताएंगे कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, या कौन कौन से क्लास में है अभी, बोर्ड एग्जाम है या कौन से एग्जाम है, क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं कॉमन चीज़ें, सबको काम आती है वो चीज़ें। आप जरा बता देंगे तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो जाएगा, हमें भी आसानी होगी, कि जानकारी मिल जाएगी कि हाँ हमारे पास इतने बच्चे हैं, ये एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। SSC CGL, चलिए, स्वीटी का SSC CGL है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तब तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये सारी क्लासेस, GK GS बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोई जो बताना चाहे, और कोई जो बताना चाहे, जो मैं जान सकूँ कौन से स्टूडेंट जो हमारे कौन से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक लूसेंट की एक मोटी सी बुक आती है, छोटी सी, इसके अलावा, है ना, वो आप खरीद लीजिए, वो क्वेश्चन बैंक के हैं। इस बुक से आप पढ़िए और उस बुक्स के क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। SSC MTS, चलिए, अमर कुमार, SSC MTS, बहुत अच्छा। सर मैं क्लैट का प्रिपरेशन, अच्छा क्लैट है ना, जुडिशरी वाला क्लैट ना, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, हाँ उसमें तो GK GS भी पूछा जा सकता है ना। केस स्टडी बहुत आते हैं लॉ से रिलेटेड, IPC सेक्शंस वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, और फिर उसमें इंग्लिश भी बहुत अच्छा खासा पूछा जा सकता है। तो
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, कभी भी एग्जाम हो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सर को, ऋषभ सर को बोलिए, वो हमें जो है फॉरवर्ड कर देंगे, और हम जो है कभी भी आपको कोई भी डाउट हो कभी भी आप बोलिएगा क्लास लेने, तो मेरे हम टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी रख लेंगे सर। क्लैट, ठीक है आदित्य, क्लैट बहुत अच्छा है ना, है ना, बहुत अच्छा, बहुत नॉलेजेबल कोर्स है क्लास का। क्लैट एग्ज़ाम आप अच्छे रैंक से क्वालिफाई करते हैं, अच्छे नंबर से, तो आपको जो है बहुत अच्छा लॉ कॉलेज मिल सकता है। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, किसका नाम आप पूछ रहे हैं? नेक्स्ट मैंने, अच्छा बुक का नाम लूसेंट का है। देखिए लूसेंट का एक ये बुक है जिसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी का बुक है, ठीक है, इसमें आपको कंटेंट्स मिलेंगे। और एक दूसरा बुक आता है जो कि मोटी सी होती है और छोटी सी होती है, ये बुक थोड़ा जो है इस टाइप का, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक जो है ये थ्योरी का बुक है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी लंबी बुक है, ये थ्योरी का बुक है। इसके अलावा एक बुक आता है जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल होगा तो उसको दिखा दूंगा। इस बुक के अलावा एक मोटी सी बुक आती है, छोटी सी, ठीक है, इस टाइप में आती है वो बुक, लूसेंट के इस टाइप में बुक आती है, ऐसा ही दिखता है वो बुक लूसेंट का, ठीक है। तो उस बुक में आपका क्वेश्चंस दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इस बुक से आप थ्योरी पढ़िए, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? कि नो सर क्लियर है आगे डब। हाँ अदिति, कौन सी बुक है आपके पास? थ्योरी वाली है? थ्योरी वाली अगर ये बुक है तो अच्छी बात है, इसमें थ्योरी दे रखी है। एक इसके अलावा भी एक बुक आता है, वो क्वेश्चन बैंक का बुक आता है, तो वो भी आप खरीद लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। थ्योरी आप इस बुक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन उससे पढ़ेंगे। हाँ, स्वीटी जी बिल्कुल वही वही बुक मैं कह रहा हूँ, लूसेंट का क्वेश्चन बैंक का भी बुक आता है, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग से इंटरेक्ट करके। कोई एसएससी सीजीएल, कोई क्लैट का, कोई, एक मिनट वेट, कोई एसएससी सीजीएल, कोई एसएससी एमटीएस क्लैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो किसी भी टाइम पे आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, वो मैसेज मेरे पास आएगा, हम उसी अकॉर्डिंग जो है एक्स्ट्रा क्लास आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा क्लास भी अटेंड करवा देंगे। लेकिन आप लोग, एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि आप लोग लास्ट लेक्चर में कोई नहीं आए थे, थोड़ा टेक्निकल इशू मेरे तरफ से आया था, लेकिन मैंने दोबारा 10 मिनट के बाद ज्वाइन किया, फिर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उसको, है ना। तो उसमें हमने बायोलॉजी का 10 ही क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन देखिए क्वेश्चन सॉल्व होता है ना जब आप आंसर देते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है पढ़ने वाले को भी कि हाँ हमें चीज़ें आ रही है, और पढ़ाने वाले को भी, नहीं मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जब भी प्रैक्टिस सेट हो किसी भी सब्जेक्ट का, इंग्लिश का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, कुछ दिन में फिजिक्स का भी लेक्चर लेकर आऊँगा उसका हो, तो आप लोग वो क्विज वाला सेशन ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। ठीक है, सबको थैंक यू, है ना, काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा, पढ़ाई के अलावा भी। आप लोग जो भी एसएससी सीजीएल एमटीएस या क्लैट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोई भी डाउट हो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा, या नहीं तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कोई भी क्लासेस जब भी हो तो वहाँ पे हम लोग अटेंड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में बायोलॉजी लेक्चर को हम कवर करेंगे, अल्टरनेट वाइज चल देंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।